बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैड ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप वायर फ्रेम के अंदर जाकर यहाँ पर लाइन मेन्यू के अंदर आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और कमांड बार के अंदर आप 0 स्पेस 0 टाइप करें। तो ये हमारी रेक्टेंगल का स्टार्ट पॉइंट मिल गया। इसके बाद हमने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी विड्थ 100 हो और उसकी हाइट जो है वो 75 हो। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू लें और उसके बाद आप फिर से लाइन सेक्शन के अंदर जाकर वहाँ पे सिंगल लाइन सेलेक्ट करें। इस एंड पॉइंट को आप चूज़ करें एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन और कमांड बार के अंदर आप टाइप करें 0 स्पेस 0 स्पेस 150, एंटर। तो इस तरह जी डायरेक्शन के अंदर हमारी लाइन जो है वो लग जाएगी 150 मिलीमीटर की। उसके बाद आप ये पॉइंट सेलेक्ट करें और इसमें भी आप जेड के अंदर 150 मिलीमीटर जाएंगे। तो कीबोर्ड की मदद से आप 0 स्पेस 0 स्पेस 150 एंटर करें। तो ये आपकी दो लाइंस लग गई। इसके बाद आप फिर एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को आप चूज़ करेंगे और कीबोर्ड के अंदर आप इस बार 125 मिलीमीटर की लाइन लगाएंगे। तो 0 स्पेस 0 स्पेस 125, एंटर। इसी तरह आप ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस पर भी 125 की लाइन लगाएंगे, 0 स्पेस 0 स्पेस 125। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यूस लाइन सेलेक्ट करेंगे और इन तमाम लाइंस को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह आपने एक 3D क्यूब जो है वो विद द हेल्प ऑफ लाइंस क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप वर्क प्लेन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से वर्क प्लेन में जो सिंगल वर्क प्लेन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करें तो आपका ये वर्क प्लेन यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग गया है। अब हमारा 0 पॉइंट ये नहीं है, 0 पॉइंट अब हमारा ये बन गया है क्योंकि हमने इस जगह पे एक नया वर्क प्लेन लगा दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी डायरेक्शन को मैं इस रुख में लेकर आऊँ और वाई को मैं यहाँ पर और एक्स को इस डायरेक्शन में मैं लेके आऊँ। तो उसके लिए मुझे वाई के इस वाले जो आगे एरो है इसको पिक करना है और ड्रैग करके मैंने इस कॉर्नर के ऊपर लाकर रिलीज़ कर देना है। अब इसके बाद मैं फिर से वाई को पकड़ूंगा और जेड की डायरेक्शन को चेंज करूंगा। वाई के इस एरो को पिक करें और यहाँ पर एंड के ऊपर आप इसको लाकर रिलीज़ कर दें। तो हमारा ये वर्क प्लेन यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। अब हमारा इस सेक्शन के अंदर हम एक्स वाई के अंदर हम काम कर सकते हैं। अब आप फिर से वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल का स्टार्ट पॉइंट आप 20 स्पेस 20, यानी कि एक्स के अंदर 20 और वाई के अंदर 20 रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा 0 पॉइंट यहाँ से था और इसी ही पॉइंट से हमने 20 mm की जो है 20 mm एक्स और 20 mm वाई के अंदर हमारा रेक्टेंगल जो है वो प्लेस हुआ। अब उसके बाद आप रेक्टेंगल की डायमेंशन दें 10 mm एक्स के अंदर और 10 mm वाई के अंदर। तो इस तरह आप वर्क प्लेन का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी पॉइंट को 0 बना सकते हैं। आप फिर से जो हमारा वर्ल्ड वर्क प्लेन था उसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ से और रेक्टेंगल लगाएंगे बिल्कुल एज इट इज़, वही डायमेंशन की जो हम पहले लगा चुके हैं, 20 स्पेस 20, एंटर, 10 स्पेस 10, एंटर। तो अब आप देखें हमारा 0 पॉइंट ये वाला जो वर्क प्लेन था वो उसके हिसाब से हमारी ये रेक्टेंगल लग चुकी है। इसके बाद आप वर्क प्लेन में जाएंगे और सिंगल वर्क प्लेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को आप अपना ओरिजिन पॉइंट मानते हुए यहाँ पर एक वर्क प्लेन लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि वर्क प्लेन जो है वो हमारी सरफेस के मुताबिक नहीं है जिस तरह हमने लाइन लगाई हुई है। तो आप वाई को वर्क प्लेन के ऊपर क्लिक करके वाई को जो एरो है इसको सेलेक्ट करें और इस एंड पे लाकर रिलीज़ कर दें। तो जिस तरह हमारी ये लाइन है उसी के लिहाज से हमारा वर्क प्लेन यहाँ पर अलाइन हो चुका है। तो अब हमारी सारी की सारी जो ड्राइंग है या सब सारी की सारी लाइन है वो इसी वर्क प्लेन के लिहाज से लगेंगी। आप फिर से वायर फ्रेम के अंदर जाएं, यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करें
और इसमें आप जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो 20 स्पेस 20 दें, और जो हमारी रेक्टेंगल है वो 40 स्पेस 40 से आप इसको प्लेस करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जिस तरह का वर्क प्लेन था एज इट इज़, हमारा वर्क प्लेन भी हमारा जो वायर फ्रेम है वो हमारे वर्क प्लेन के अलाइन है। इसके बाद आप आल्ट दबाकर इसकी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंपोजिट कर्व के अंदर तब्दील हो जाएगा। आप इसके बाद सरफेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रूजन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें हमारी जो एक्सट्रूजन है वो भी हमारे वर्क प्लेन के अलोंग ही है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसको 40 मिलीमीटर तक लिमिट कर दें और ओके कर दें। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो हमारा बॉक्स बना है इसके सेंटर में एक वर्क प्लेन लगाऊं, तो हम विद द हेल्प ऑफ पोजीशन डायलॉग हम इसके सेंटर में एक वर्क प्लेन लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है सिंगल, इसके बाद आपको पोजीशन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, फिर यहाँ पर बिटवीन आपने टैब इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसके इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है और इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये दो कॉर्नर्स के दरमियान ऑटोमेटिकली उसने एक डॉट हमें शो करवाया है जहाँ पर हमारा वर्क प्लेन प्लेस होगा, तो इसमें आप इसको अप्लाई करें और ओके कर दें। तो ये देखें कि इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा एक वर्क प्लेन प्लेस हो चुका है। तो आप डायलॉग बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क प्लेन को प्लेस करने के लिए। इसके अलावा आपने जो वर्क प्लेन लगाया है आप उस वर्क प्लेन को किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्क प्लेन लगाता हूँ 0 स्पेस 0 स्पेस 30 पर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करवा सकूँ, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। अब जिस एक्सिस के अलोंग आपने इसको रोटेट करवाना है उस एक्सिस को सिलेक्ट करें। मैं इसको जेड के अलोंग रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसी तरह 45 करता हूँ तो ये 45 के ऊपर रोटेट हो जाएगा जी के अलोंग। तो आप किसी भी एक्सिस के अलोंग अपने वर्क प्लेन को रोटेट करवा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।